गाइस क्या बताएं, पूरा डर लग रहा है गाइस, पूरा डर लग रहा है गाइस, एकदम पूरा बिल्कुल अंधेरा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको एक नए ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको थंबनेल देख के पता लगी होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किए हैं कि आज हम लोग जाएंगे भूतिया किला। वहाँ का आप सबको एक्सपीरियंस बताते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं किस तरह होता है। तो मैंने उसको कॉल कर दिया, उसको हम रास्ते से पिक कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये हम लोग आ गए हैं अभी किले के पास में। सबसे पहले आपको किले का ग्राउंड फ्लोर दिखाएंगे और इसके बाद दिखाएंगे कि किले के अंदर में और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोग अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। और अभी मेरा जो कैमरा मैन है वो हल्का होने गया है क्योंकि उसको भूत का नाम सुनते ही डर लग गया है। कुछ भी, तो आइए दिखाते हैं आपको कि किले के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हैं आप, हम अभी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ का हाल, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गेट खोलने वाले हैं हम लोग। सो भाई खोलिए, बहुत ही डर लग रहा है गाइस, क्या बताएं। देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का एक रूम है, जैसे कि यहाँ का हाल देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही इको साउंड आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। बहुत ही अंधेरा है, लाइट की वजह से आप लोग कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। देख सकते हैं एक बंदा अंदर जाने की कोशिश में है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। बहुत ही डर लग रहा है गाइस, क्या बताएं। रुकिए गाइस, मैं भी जा रहा हूँ भाई, थोड़ा मोबाइल पर बोलिए आप। सो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ का हाल गाइस, क्या बताएं, पूरा डर लग रहा है गाइस, पूरा डर लग रहा है गाइस, एकदम पूरा बिल्कुल अंधेरा है, तो और डर भी लग रहा है। धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं, क्या बताएं, पूरा डर लग रहा है गाइस। और ये देखिए यहाँ का भाई, आप मोबाइल का फ्लैश चला लें, अंधेरा दिख रहा है बहुत, देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ का हाल। चलो भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को, मैं जा रहा हूँ। मैं कुर्सी भी देख लिया भाई, बैठना मत भाई, हम मुझे डर लग रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, मैं जा रहा हूँ गाइस, हम लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं गाइस। सो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे कि मैं किला के सबसे ऊपरी मंजिल पे हूँ, आप देख सकते हैं। ये इतना पुराना किला है कि पूरा एकदम टूट फूट गया है, आप देख सकते हैं जिस तरह की। किला की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला मेरा दोस्त सोहेब भाई, आप बताइए कुछ हिस्ट्री किला के बारे में। जी तो ये किला 1952 में बनाया गया था, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा ठीक है, उन्होंने बनाया था ताकि यहाँ के जो गरीबी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के शिक्षा में थोड़ा सुधार किया जाए और उनके बच्चे थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि उस टाइम में देश में शिक्षा की बहुत कमी थी, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं थे लोग की शिक्षा कितनी जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने ये किला बनवाया था। स्पेशली ये किला अंग्रेजों के वक्त का किला है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से इस देश से चले गए छोड़ गए, तो फिर उन्होंने इस किले को एजुकेशन ट्रस्ट को दे दिया ताकि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की जा सके। जैसे देख सकते हैं ये किला बिल्कुल ही वीरान हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये किला बंद है, लगभग 30-40 सालों से ये किला बंद है। लेकिन एक सेकंड, हम भी जब से पैदा हुए तब से देख रहे, तो इस किले में कभी पढ़ाई हुई नहीं है, हमेशा किला बंद ही देखे। और ये किला जो है बहुत बड़ा है, ये किला बहुत बड़ा है, आप सोच ही नहीं सकते। हमने इस किले के कुछ कुछ पार्ट जो है अभी भी नहीं देखे। ये किला लगभग 400 कमरों का है और इसमें एक मैदान भी है खेलने के लिए, और पीछे तरफ पहले कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन अभी उसको हटा करके लोगों ने घर बना लिए हैं। तो आगे आगे देखते हैं कैसे है किला। और इस किले में तो एक कहावत भी सुने हैं, पता नहीं ये सही है या झूठ है, लेकिन इसमें एक भूत भी है। हम तो यकीन करते हैं क्योंकि हमें कभी कभी खौफ लगा है, अब देखते हैं कि हम लोग को पूरा डर लग रहा है। हम लोग अभी दो ही बंदे आए हैं पूरा हिम्मत करके, जैसे कि आप देख सकते हैं दो ही बंदे आए यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये किला का सबसे फर्स्ट रूम।
भाई डरावना है भाई लोग। गाइस आप देख सकते हैं ये किला का दूसरा रूम है, देख सकते हैं इसका भी हाल क्या हो गया है। देखिए काफी बद से बदतर हो गया है, रहने का लायक नहीं है, पढ़ने का भी लायक नहीं है, बच्चा इसीलिए डरते हैं वो आने के लिए। और ऐसे भी ये भूतिया किला हो गया है, यहाँ पे अब पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे लोग भी आने के लिए डरते हैं। लोग तो क्या परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकते, इतना यहाँ खौफनाक जगह है। जैसे हमारे गांव के कुछ तेजस्वी लोग हैं जो यहाँ पर कलाकारी करके चले जाते हैं, उनके देखिए दिलों में खौफ नहीं है कि यहाँ पर भूत है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, हम लोग तो यकीन करते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है। आप कलाकारी देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये ऑफिस हुआ करता था पहले। जैसे कि आप इसका हाल देख सकते हैं क्या हो गया है, पूरा एकदम क्या बताएं, कब गिर जाए किसी को कुछ पता नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ कलाकारी क्या हुआ है। हमको तो लगता है खुद भूत ने बनाया है। देखिए गाइस हम लोग आप लोगों को यहाँ का फील्ड दिखाते हैं। देखिए ग्राउंड कितना बड़ा है, देख सकते हैं आप यहाँ बिल्कुल इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ खेलने नहीं आते, ना ही कोई हम लोग भी इसमें खेलने नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर भूत का इतना ज्यादा खौफ फैल गया है यहाँ के इलाके में कि लोग यहाँ पर अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं। वो मना करते हैं कि तुम कहीं और खेल लो या फिर तुम घर ही में खेल लो, लेकिन यहाँ आके मत खेलना, ये शापित जगह है। जैसे देख सकते हैं कि इतना बड़ा ग्राउंड है और थोड़ा सा ग्राउंड इधर भी है जो पूरा वीरान पड़ा हुआ है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।